लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मराठा आंदोलन। बीड़ में एक और शख्स ने की खुदकुशी, मरने वालों की संख्या 5 हुई। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर हिंसा लगातार जारी है। मंगलवार सुबह 35 साल के बीड़ जिले में 35 साल के अभिजीत देशमुख ने खुद को विडा गांव स्थित गांव में खुद को फांसी लगातार आत्महत्या कर ली। बताया गया कि अभिजीत ने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि कर्ज और मराठा आरक्षण को लेकर वादा खिलाफी के चलते वो खुदकुशी कर रहे हैं। मराठा समुदाय से 5 युवक बीते एक हफ्ते में खुदकुशी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 4 दिन पहले समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हिंसा की घटनाएं पूरी तरह से नहीं रुकी हैं। सोमवार को पुणे में हिंसक प्रदर्शन किया गया और लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। पुणे के चाकन और खेड़ में प्रदर्शनकारियों ने करीब 20 गाड़ियों को आगे के हवाले कर दिया और 40 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आंदोलनकारियों ने पुणे नासिक हाईवे को जाम कर दिया, जबकि भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान झड़प में 3 अधिकारियों सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। औरंगाबाद में एक युवक के आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या के बाद ये आंदोलन हिंसक हुआ। इस दौरान लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। बाद में महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों के बाद मराठा संगठनों ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया था। मराठा समुदाय नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण की मांग कर रहा है।